एक हरे भरे जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वहाँ चूड़ी बेचा करती थी। चूड़ी ले लो, सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। टुनटुनी चिड़िया की चूड़ी इतनी सुंदर होती थी कि ग्राहक उसकी चूड़ी झट से खरीद लेते थे। एक सुंदरी कौवी टुनटुनी के पास में ही चूड़ी लगाती थी। चूड़ी ले लो, सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ी ले लो। नीली लाल हरी पीली चूड़ी ले लो। पर सुंदरी कौवे की चूड़ी कोई नहीं खरीदता था। वह देखो टुनटुनी चिड़िया की कितनी सुंदर चूड़ी है, आओ आओ हम सब उसी से लेते हैं। अब सुंदरी कौवी अपनी चूड़ी लेकर अपने घर आ जाती है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया अपनी चूड़ी में पता नहीं कौन सा जादू कर देती है, जो सारे ग्राहक उसकी चूड़ी झट से ले लेते हैं और मेरी एक भी चूड़ी नहीं बची है। अब सुंदरी कौवी दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया से पहले पहुँच जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी चूड़ी नहीं खरीदता है। सभी सुंदरी कौवी की दुकान पर आकर, सुंदरी बहन क्या आपके साथ वाली टुनटुनी चिड़िया नहीं आई है? आ जाएगी बहनों, यह देखो ना मेरी चूड़ी कितनी सुंदर है, आप लोग मुझसे चूड़ी लो। ये बात टुनटुनी चिड़िया अपनी चूड़ी लेकर आ जाती है और फिर ग्राहक सारी टुनटुनी चिड़िया की चूड़ी झट से खरीद लेते हैं। इस तरह सुंदरी कौवे को बहुत जलन होने लगती है। अब एक रात टुनटुनी चिड़िया अपने घर में सोई हुई थी, तभी सुंदरी कौवी आती है और टुनटुनी चिड़िया की चूड़ी चुरा कर ले जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया जागती है तो उसकी चूड़ी वहाँ नहीं थी। अरे मेरी चूड़ी कहाँ है, मैंने तो कितनी रात को मेहनत से बनाई थी और देर रात तक जागती रही। इधर सुंदरी कौवी टुनटुनी की तरह चूड़ी लाती है, तभी कबूतरी आती है। अरे वाह, आज तो आप टुनटुनी की तरह चूड़ी लाई हैं, पर वहाँ नहीं आई। हाँ हाँ, मैं भी उनकी जैसी ही चूड़ी बनाकर लाई हूँ, क्या आप मेरी चूड़ी खरीदेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल खरीदेंगे, आपकी चूड़ी आज बहुत सुंदर है। अब कबूतरी चूड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे यह तो टुनटुनी का घर है। अब वह टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है तो देखती है टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बना रही होती है। क्या बहन, आज आपने चूड़ी नहीं बनाई थी, जो वहाँ पर दुकान नहीं लगाई है। तब टुनटुनी चिड़िया कबूतरी को सारी बात बता देती है। लगता है तुम्हारी चूड़ी सुंदरी कौवे ने चुराई है, वह देखो बिल्कुल तुम्हारे जैसी चूड़ी है। अब टुनटुनी चिड़िया कबूतरी को लेकर सुंदरी कौवे के घर पहुँचती है और कहती है, सुंदरी क्या तुमने ही मेरी चूड़ी चुराई है? क्यों, क्या तुम्हारी जैसी चूड़ी बाजार में नहीं मिलती है? अरे नहीं, यह मेरे घर की बनी चूड़ी है। वह देखो यह चूड़ी और मेरी चूड़ी बिल्कुल एक जैसी है। हाँ मैंने ही तुम्हारी चूड़ी चुराई है, क्योंकि सारी चूड़ी तुम्हारी बिक जाती थी लेकिन मेरी चूड़ी कोई नहीं खरीदता था। पर सुंदरी बहन इसमें चूड़ी चुराने की क्या बात थी, अगर तुम्हारे पास चूड़ी नहीं थी तो तुम मुझसे मांग लेती। तुमने चूड़ी चुरा कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से रो रो कर माफी मांगती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को माफ कर देती है और कबूतरी का धन्यवाद करती है। कबूतरी बहन अगर आप नहीं होती तो आज मुझे मेरी चूड़ी चुराने वाली का पता नहीं लगता। ऐसा कह के वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं और सुंदरी कौवी ऐसा ही मुंह लेकर वहाँ रह जाती है। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। वह गांव में खेती किया करते थे और उसी से उनके घर का खर्च चलता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी गांव के जंगल में एक शहर का कालू कौवा आता है। वह टुनटुनी चिड़िया को देखकर मन ही मन उसको पसंद करने लगता है और उसके पास आता है। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम टुनटुनी है, मैं यहाँ गांव में ही रहती हूँ। अच्छा, मेरा नाम कालू है और मैं शहर के जंगल से आया हूँ, क्या मुझे अपना गांव घुमाओगी? टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को अपना सारा गांव घुमाती है। टुनटुनी क्या मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरे मम्मी पापा से मिल सकते हैं। आंटी जी मैं यहाँ गांव में घूमने आया था,
आपकी बेटी टुनटुनी ने मुझे पूरा गांव घुमाया। आपका गांव बहुत अच्छा है और आपकी बेटी टुनटुनी भी। इसके बाद कालू कौआ अपने शहर वापस चला जाता है और अपने पिता से सब कुछ बता देता है। तब कालू कौआ के पिता टुनटुनी के माँ बाप से टुनटुनी का रिश्ता मांगते हैं। आप तो हमारे घर की हालत जानते ही हो, हम कितने गरीब हैं, बस पैसों की कोई कमी नहीं है। हमें तो बस एक सुंदर और सुशील चिड़िया चाहिए थी जो आपकी बेटी है। अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे कालू से कर देंगे तो हमें एक बहुत अच्छी बहू मिल जाएगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौए की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल आती है। अब शहर के जंगल में सारे पड़ोसी पक्षी टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो ना, वहाँ कितनी गवार चिड़िया है, लगता है कालू किसी गवार चिड़िया को ले आया था। कालू कौआ को तो अपनी बिरादरी में शादी ही नहीं करनी थी, तभी तो मुझ जैसी सुंदरी कौए को छोड़कर इस गवार चिड़िया के पीछे पड़ा है। सुंदरी से सुंदर कोई नहीं है। टुनटुनी तुम्हें हमारा जहर कैसा लगा? जी बहुत अच्छा है, लेकिन सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं गवार हूँ। अरे ऐसा नहीं है, यहाँ भी सभी पक्षी अच्छे हैं। अगर तुम उनसे बात करोगी और उनसे दोस्ती बढ़ाओगी तो सभी तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे भी बात करेंगे। दूसरे दिन से टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर और पक्षियों से भी बात करने लगती है। अरे पता है टुनटुनी, सुंदरी कौए तुमसे देखकर बहुत जलती है, क्योंकि वह कालू कौआ को पसंद करती थी और कालू कौआ ने उससे शादी ना करके तुम्हें पसंद कर लिया है, इसलिए वह तुम्हें गवार गवार कह के चिढ़ाती है। अब टुनटुनी चिड़िया का सारा दिन बहुत अच्छे से निकलता था, क्योंकि उसके काफी सारे पक्षी दोस्त बन चुके थे। शाम को जब कालू कौआ ऑफिस से घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आपका शहर का जंगल बहुत अच्छा है और यहाँ के सारे पक्षी भी, इन सब से मेरी दोस्ती हो गई है। या अगर तुम्हारा कोई गवार कह के मजाक उड़ाए तो तुम समझ लेना कि वह तुम्हारी सुंदरता से जलते हैं, क्योंकि मेरी बीवी से सुंदर तो कोई है ही नहीं। इस तरह कालू और टुनटुनी चिड़िया अपनी शादी से बहुत खुश थे और फिर खुशी खुशी रहने लगे। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी और अकेले ही अपने पूरे परिवार का खर्चा उठाती थी। टुनटुनी चिड़िया अपना घर चलाने के लिए कालू कौए के खेत में काम करती थी। कालू कौए का खेत जामुन का था, जिसे टुनी ही देखभाल करती थी और उससे पैसे मिलते वह अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन कालू कौआ, अरे टुनटुनी चिड़िया सब ठीक तो है? जी मालिक, अभी तो सब ठीक है। मालिक मैंने कल ही आपके खेतों में बहुत सारी खाद डाली थी, जिससे हमारे जामुन के पेड़ों में और बहुत सारी जामुन लग सके। ठीक है टुनटुनी, तुम खेतों की बहुत अच्छी देखभाल कर लेती हो। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया, बच्चों मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। क्या माँ, आप हमेशा सूखी रोटी ही बना कर रख देती हो? हाँ, आज आप जब वहाँ से आओ तो बाजार से हमारे लिए कुछ अच्छी सी चीज ले आना। आज मालिक तनख्वाह दे देते हैं तो शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी सी चीज ले आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अब खुशी खुशी चली जाती है। अब रास्ते में मौसम खराब होने लगता है, तभी तेज तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, अरे कहीं अगर यह बरसात ना रुकी तो मैं मालिक के खेत में कैसे जा पाऊंगी। अब टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी खेत में जाती है तो देखती है वहाँ पर जामुन कुछ ही लगे हुए हैं। अरे ये क्या हुआ, कल तो पेड़ पर बहुत सारे जामुन लगे थे और आज इतने कम, मैं मालिक को अब क्या जवाब दूंगी। तभी कालू कौआ वहाँ आ जाता है। मेरे जामुन कहाँ है? मालिक मुझे पता नहीं है, बारिश की वजह से मैं थोड़ा लेट आई,
तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम मेरे खेत में ठीक से काम नहीं कर सकती तो यहाँ से चली जाओ। मालिक, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मालिक, अगर आपने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं पता, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। ठीक है मालिक, तो मुझे इस महीने की तनख्वाह दे दो। तनख्वाह? काहे की तनख्वाह? वह तो इस जामुन में ही कट गई। सारे जामुन तो तुमने चोरी कर लिए हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी उसे रोता देखते हुए एक तोता आता है और तोता कहता है, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया तुम्हें? टुनटुनी चिड़िया उस तोते से पूछती है, आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं एक जादुई तोता हूँ और यहाँ से गुजर रहा था, तभी तुम्हें रोते देख तुम्हारे पास आया हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया उस तोते को अपनी सारी बात बता देती है। तभी वह जादुई तोता कहता है, टुनटुनी मुझे माफ कर दो, क्योंकि वह सारी जामुन मैंने ही चुराई थी। कल मैं जब वहाँ से निकला था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मैंने बहुत सारी जामुन तोड़ ली। बात नहीं तोते जी, अगर आपको भूख लगी तो आपने जामुन खा ली। अरे टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अभी वह तोता टुनटुनी चिड़िया को सोने से भरा घड़ा देता है और कहता है, यह लो टुनटुनी चिड़िया, अब तुम्हें कभी भी गरीबी परेशान नहीं करेगी हो। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है और साथ में अपने बच्चों के लिए ढेर सारे फल भी लेकर जाती है। आज टुनटुनी चिड़िया ने पहली बार अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाया था। इस प्रकार अब वह सब खुशी खुशी रहने लगे।